ये आपके आरक्षक है वेद प्रकाश, वेद राम राज करके के द्वारा जो है स्वयं के राइफल से जो है गोली मार कर आत्महत्या किया है। कुछ कारण सभी तरीके से सभी दिशाओं में और सभी पक्षों को ध्यान में रखकर जांच के लिए आए हुए थे स्वयं, और हम लोग एडिशनल एसपी लोग भी वहाँ पर उपस्थित है, साथ ही साथ एफएसएल की टीम भी आ रही है, कंप्लीट जाँच इसमें जारी है। राजनांद गांव में रहती थी और इनकी ड्यूटी औंधी के डोमनी कला बेस कैंप में है। डोमनी कला बेस कैंप जो है वो दूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जहां पर जवानों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल अंकित, लेकिन जिस वक्त ये घटना घटी, जिस वक्त आरक्षक ने खुद को गोली मारी, उस वक्त उनके साथ में कौन कौन मौजूद था? उस वक्त बताया जा रहा है कि बैरक में सभी लोग अपने अपने नित्य कर्म में लगे हुए थे और ये अपनी इंसाफ को साफ कर रहे थे। उस समय इन्होंने गोली फायर कर ली और अपने सर में गोली लगी। सर में गोली लगने से इनकी तत्काल मृत्यु हो गई। जब जवान सब आसपास पहुंचे हॉस्पिटल ले जाने के लिए सोचने लगे, तब तक में इनके प्राण जा चुके थे। तो उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया। सारा पुलिस महकमा जिले का अभी डोमी वाला बेस कैंप में पहुंच चुका था और जवान की बॉडी को अभी पोस्टमार्टम किया गया है और परिवारजनों का इंतजार किया जा रहा है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए अंकित आपका बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के अंबागढ़ चौकी से मिल रही है, जहां पर एक आरक्षक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के औंधी थाने का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर आरक्षक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। बता दें कि आरक्षक ने थाने की ही राइफल से गोली मारकर आत्महत्या की है।